Hello, welcome back to my dear students. I am Vaishali, English language trainer. Welcome to my YouTube channel, New Urban Computer Classes. So students, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी जितनी वीडियो अपलोड होती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो हाँ, तो गाइज आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो हम सिखाने जा रहे हैं वो है डिफरेंट वेज टू सेइंग सॉरी। सॉरी कहने के अलग अलग तरीके। सॉरी हम किस किस तरह से कह सकते हैं? सॉरी तो हम सभी कहते हैं, छोटे से बच्चे बुलाते फिर भी सॉरी बोलते हैं और बड़ी बच्चे बुलाते फिर भी सॉरी ही बोलते हैं। सॉरी बोलते हैं, सॉरी एक बहुत ही एकदम छोटा सा वर्ड है और सभी लोग उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम सीखेंगे सॉरी के अदर हम और क्या क्या बोल सकते हैं। ओके, सॉरी की जगह हम और क्या क्या बोल सकते हैं? तो हमारे अलग अलग मौकों पर हम अलग अलग चीज बोलेंगे। जैसे सॉरी बड़ी गलती हुई तब क्या बोलेंगे, एंड छोटी सी भी गलती है फिर क्या बोलना है, लेकिन हम जो है हर जगह सॉरी का ही यूज करते हैं। तो आइए गाइस हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी तो हम सभी बोलते हैं। ओके, ठीक है, सॉरी तो हम सभी बोलते हैं। छोटी सी गलती हुई, सपोज देर आपका फ्रेंड का पेन खो गया, आपसे बोल दो भाई सॉरी भाई पेन खो गया। ठीक है, और इसी की तरह कोई बड़ी गलती हो जाए तब भी आप बोल दो सॉरी। अब यहाँ पर अगर देखते हैं फर्स्ट हमारा नया तरीका जो है आई अपोलोजाइज ना, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ, आप सॉरी ना बोलिए, क्या बोलेंगे, आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, यानी फॉरगिव मी। ओके, आई अपोलोजाइज मतलब मैं माफी चाहती हूँ एंड फॉरगिव मी मुझे माफ कर दीजिए, दोनों का जो मीनिंग है चेंज है, लेकिन हम बोल तो सॉरी के लिए ही रहे ना, मतलब सॉरी माफी चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी का मतलब क्या, मतलब दुख होना उस चीज के लिए, ठीक है ना, माफी मांगना, क्षमा मांगना। तो यहाँ आई अपोलोजाइज मैं माफी चाहता हूँ एंड फॉरगिव मी मुझे माफ कर दीजिए, दोनों का मीनिंग तो वही है। ठीक है, हम सॉरी की जगह में यूज करेंगे। एंड थर्ड हमारा इट्स माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है। ठीक है, इट्स माय मिस्टेक, ये मेरी गलती हो गई। अब आप मैं सॉरी की जगह ये नहीं बोली, सॉरी की जगह ये बोल सकते हैं इट्स माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है। ये बोले आई एम सो सॉरी, मुझे भी बहुत दुख है, या मैं भी बहुत दुखी हूँ। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मुझे भी बहुत दुख है। सपोज आपसे किसी का कोई नुकसान हो गया, ठीक है, अब आपको भी थोड़ा सा बेकार सा फील हो रहा है, तो आपके बोलोगे आई एम सो सॉरी, मैं भी बहुत दुखी हूँ। ठीक है, मतलब उसका जो नुकसान हुआ उसके प्रति आप भी बहुत दुखी हैं, तो आपके बोलेंगे आई एम सो सॉरी, मैं भी बहुत दुखी हूँ। एंड आई बेग योर पार्डन, नेक्स्ट से हमारा आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बेग मींस मांगना। ठीक, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगती हूँ या मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इस तरह से हम उसको सॉरी की जगह ये बोल सकते हैं, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट वन हमारा दिस इज माय फॉल्ट, ये मेरी गलती है, दिस इज माय फॉल्ट। ओके, इट्स माय मिस्टेक, दिस इज माय फॉल्ट। आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक, मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है, मैं अपनी गलती को रियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे भी गलती हो गई, आपको भी बाद में बहुत बुरा लग रहा है कि हाँ भाई मैंने ऐसा क्यों करा, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं उसको, सॉरी यार आई रियलाइज माय मिस्टेक। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। ठीक है, आपको अफसोस है तो आप क्या बोलेंगे, मुझे अफसोस है मतलब कि आई रिग्रेट, आई एम टेरिबली सॉरी, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ आपसे, आपसे आपको भी बहुत दुख हो रहा है, भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया, आप भी सोच रहे हो काश मैं ऐसा नहीं करता उसके साथ, तो इस तरह से आप जो सोच रहे हो, आपका फ्रेंड आपसे बहुत नाराज है, तो आप बोलेंगे आई एम टेरिबली सॉरी, मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट बोले मेरा एक्सक्यूज मी प्लीज, या एक्सक्यूज मी, तो आप ये सोचोगे भाई एक्सक्यूज मी यहाँ क्यों बोल दिया, जरूरी नहीं है हम एक्सक्यूज मी बस सिर्फ वही लगाते हैं। सपोज एक मीटिंग चल रही है, आप अपने बॉस के साथ बैठे हैं और भी काफी स्टाफ बैठे हैं, आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, आपकी कोई अर्जेंटली कॉल आ रही है, तब आप क्या कहेंगे, आप उस मीटिंग में से आपको हटना है, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी।
सॉरी भी बोलते हैं, सॉरी प्लीज, ठीक है ना, सॉरी प्लीज, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, या मे आई गो, इस तरह से आप इतने सारे बोलते थे, मुझे एक्सक्यूज मी प्लीज, वहां भी आप इसको लूज करते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, वहां भी आप एक तरह से माफी तो मांग रहे हैं, उठने के लिए उस मीटिंग में से जाने के लिए आप एक तरह से अफसोस कर रहे हो, खेद है आपको, मतलब माफी मांगना चाह रहे थे, आपके बोलेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके एंड नेक्स्ट, आई हैव नो आईडिया इट वुड हर्ट यू, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम्हें इतना दुख होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, हम तो हमें तो बात सही लगती है, लेकिन हमने सामने वाले पर्सन से बिना सोचे समझे बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले जो पर्सन है उसको ज्यादा हार्ट हो जाता है, वो दुखी सा हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी यार मैंने गलत बोला है ना, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, मुझे तो ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं था, मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं तुझे दुख पहुंच रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि यार तुम्हें इतना दुख होगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतना दुख होगा, सॉरी यार, ठीक। तो हम इस तरह से सॉरी की जगह हम इस ये बोल सकते हैं, ठीक है, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, शायद आपको माफ कर दें। एंड नेक्स्ट वन हमारा सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दैट, माफ कीजिए इसके लिए, ठीक है, आपने शायद आपका वो आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपने उसका फोन ले लिया, फोन चेक कर लिया, और उसके जो पर्सनल फोटो थे, उसके जो सीक्रेट था, वो आपने अपने किसी अन्य फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, अब वो जो आपका नाराज हो रहा है, अब आप क्या कहेंगे, सॉरी अबाउट दैट, इसके लिए मुझे माफ कर दो ना, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दिस, ठीक। एंड हमारा नेक्स्ट है, आई ओवर रिएक्टेड, आई ओवर रिएक्टेड, ऐसा होता है सर कि हम जो है बातों ही बातों में बहुत कुछ भूल जाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं, और सामने वाले बुरा लग जाता है, ठीक है, वो बोलते हैं तुमने ये बात गलत कह दी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब क्या बोलेंगे, यार सॉरी आई ओवर रिएक्टेड, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, ठीक है, ज्यादा ही बोल जाना, आपको कहीं कहीं आप ज्यादा भूल जाते हैं, तब क्या बोलेंगे, आई ओवर रिएक्टेड, सॉरी आई ओवर रिएक्टेड, माफ कीजिए मैं ज्यादा बोल गया कुछ, इस तरह से हम सॉरी की जगह ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, जो सॉरी 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 ना बोलकर आज से आके बोलेंगे, इन सब सेंटेंस को मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोले, कहीं पर कुछ बोले, कहीं कुछ बोले, ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी सॉरी के लिए ये सब डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।